So day 3 is over. Now it's day 4 challenge. 5 days is very important. पहले भी मैंने कहा कि 5 दिन तक आप अगर अच्छे से कर लेते हैं उसके बाद आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो 5 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके 5 दिन में ही मस्कुलर पेन होने की चांसेस होते हैं. तो आज डे 4 लेग स्ट्रेचिंग स्टैंडिंग में बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए लेट गेट स्टार्ट. सबसे पहले मलासना स्ट्रेच. मलासना स्ट्रेच के लिए स्थिति ताड़ासन यानी कि स्ट्रेट खड़े रहेंगे. दोनों पैरों को वी शेप में थोड़ा सा गैप करेंगे और वी शेप में रखेंगे. वी शेप में रखने के बाद नमस्कार मुद्रा बनाएंगे. इनहेल और एक्सहेल करते हुए जैसे चेयर पे स्ट्रेट बैठते हैं वैसे ही नीचे की ओर आएंगे. ध्यान रखें आपके जो नीज है वो बाहर की ओर निकले हुए. इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए डाउन. ये जो नीज है आपके अंदर नहीं बाहर की ओर होने चाहिए, बैक स्ट्रेट होने चाहिए. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. 4 to 5 टाइम्स. इनहेल यानी कि सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. जब आप 5th टाइम करें नीचे बैठ जाए, दोनों हाथों से दोनों घुटनों को इस तरह स्ट्रेच करें और थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे. 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1. नमस्कार मुद्रा बनाएं. इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स. दोनों पैर साथ में, 2 से 3 लंबी गहरी सांस. हमेशा याद रखें कि जब भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तब आप भी ब्रीदिंग बीच में करते रहें. सेकेंड स्ट्रेच, दोनों पैरों को साथ में रखेंगे. इनहेल करते हुए दोनों पैरों में गैप बनाएं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, 2 से 2.5 फीट का गैप. दोनों हाथों को इस तरह से ग्रिप करें. देखेंगे जब इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए इस तरह से नीचे आएंगे और पूरा बैठेंगे. ये पैर आपका ऊपर नहीं नीचे की ओर रहेगा और घुटना आपका बाहर की ओर, बैक स्ट्रेट. जब आप शुरू शुरू में कर रहे हैं तो आप अपने आप नहीं उठ पाए तो आप थोड़ा सपोर्ट लेकर उठ सकते हैं. इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए दूसरे साइड. इनहेल अप, एक्सहेल. 4 to 5 टाइम्स होने के बाद एक बार यहाँ पे स्ट्रेच करें. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल अप, दूसरे साइड भी होल्ड करेंगे. हमेशा याद रखें स्ट्रेचिंग में फास्ट फॉरवर्ड के साथ साथ होल्डिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल करते हुए अप, 2 to 3 डीप ब्रेथ इन एंड आउट. हर एक स्ट्रेचिंग के बाद अपने आप को धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं. नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए पर्वतासन में आएंगे. इस तरह हैंड्स ऑन नीज, एक पाम डिस्टेंस लेकर आगे हाथ पीछे पैर, पूरा पर्वतासन नहीं बनाएंगे. इस पोजीशन में आने के बाद इनहेल करेंगे, राइट लेग को अप करेंगे, सॉरी राइट लेग को आगे ले आएंगे. पीछे का पैर पीछे रख दें, अपने आप को एडजस्ट कर लें दोनों हाथ और दोनों पैर एक लाइन में और पीछे का पैर सीधा कर दें. इस तरह पैर को यहाँ पे नीचे से जो स्ट्रेट किया है उसको पूरा खींच के रखें और आगे का पैर है उसको 90 डिग्री पे रखेंगे. ये हाथ 90 डिग्री पे, हाथ और पैर दो तीनों एक लाइन में और इस तरह स्ट्रेच करें. यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे. उसके बाद इनहेल करते हुए वापस, फिर एक्सहेल करते हुए दूसरे पैर से. जब आप ध्यान रखें, दूसरे पैर से भी इसी तरह करेंगे. ध्यान रखें जब आप होल्ड कर रहे हैं पोस्चर को तब आप ब्रीदिंग करते रहेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल करते हुए पर्वतासन, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स. 2 से 3 लंबी गहरी सांसें. हर एक स्ट्रेच के बाद जैसा कि मैं कहती हूँ डीप ब्रीदिंग करें,
नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए अगेन पर्वतासन में आएंगे। पर्वतासन में आने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर रुके, फिर से राइट लेग को फ्रंट में लाएं, पैर को पीछे रख दें, थोड़ा सा ऊपर आए, पूरी बॉडी स्ट्रेट करें, दोनों हाथों को इनहेल करते हुए कान से लगाएं और ये जो पीछे का पैर नी से बेंड है उसको सीधा करना है और पीछे पूरा अपने आप को खींचेंगे। जैसे ही आप पीछे खींचेंगे आगे का पैर ऐसे रहेगा, पीछे का पैर आपका पूरा स्ट्रेच होगा, जितना नीचे आप आएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद एक्सहेल करें, फिर से इसी पोस्चर में पर्वतासन में 2-3 लंबी गहरी सांसें, अगेन पैर को नीचे रख दें, अपनी बॉडी को स्ट्रेट करें। ये ध्यान रखें कि जो नी है आपका टो के आगे नहीं आना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री एंगल हो। फिर से इनहेल करें, पैर को पूरा खींचें और अपनी बॉडी को पीछे ले जाएं। इस तरह 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद एक्सहेल डाउन, पर्वतासन में थोड़ा रिलैक्स करें एंड स्लोली कम अप। अगेन 2-3 डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट। लास्ट स्ट्रेच के लिए अगेन जैसे कि स्टैंडिंग में है तो फिर से पर्वतासन में आए। पर्वतासन में आने के बाद फिर से राइट लेग को अप करके आगे लाएं, राइट लेग आगे आ गया और आपका पैर 90 डिग्री पे, पीछे का पैर पूरा खींचें, फिर दोनों हाथ डाउन है, इस तरह पैर के बाहर निकाल दें हाथ को और एल्बो से ग्रिप करें, पैर को साथ में रखें, पीछे का पैर पूरा खींच दें। यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करें, गर्दन सीधी रखें, पीठ सीधी रखें, फिर से रिलैक्स चेंज, इस तरह पैर बाहर की तरफ, हाथ बाहर की तरफ, पैर अंदर की तरफ और पैर को पूरा अपनी तरफ खींच के रखेंगे। पीछे का पैर पूरा स्ट्रेच करें, दोनों हाथों को इस तरह ग्रिप कर दें और स्ट्रेन करें, यहाँ पे होल्ड करें डीप ब्रीदिंग में। पहले 10 सेकेंड करें, उसके बाद धीरे धीरे अपने होल्ड को बढ़ाएं 20-25-30 सेकेंड तक, फिर रिलैक्स, फिर से पर्वतासन, यहाँ पे शशांक आसन में रिलैक्स करें। दो से तीन लंबी गहरी सांसें, डीप इनहेल स्लो। इस वाले स्ट्रेच को मैं आपको वापस एक बार दिखाऊंगी। पर्वतासन में आए, पर्वतासन में आके आप पैर को आगे की ओर ले आए। अभी आप देख सकते हैं पैर इस तरह 90 डिग्री पे प्लेस है। हाथों को कैसे प्लेस करना है, दोनों फिंगर्स को, हाथों की फिंगर्स को इस तरह क्लच कर लेना है और एल्बो और यहाँ तक पूरा हाथ जमीन से टच करना, देख लेंगे एक बार, और फिर पैर को पीछे खींच देंगे, गर्दन सामने रहेगी, हाथ पूरा नीचे रहेंगे और इस तरह स्ट्रेच करेंगे। इस तरह स्ट्रेच करने से आपके पीछे का जो पार्ट है पैर का वो पूरा, आपकी लेग स्ट्रेच होगी और आपके हैंड में स्ट्रेंथ भी आएगी। इस तरह रखेंगे ना और पूरा खींचेंगे अपने हाथ को ऊपर, एक बार हो तो इस तरह पैर को अपनी तरफ खींचे और दूसरे हाथ को नीचे रखें। इस तरह खींचेंगे तो भी आपके हैंड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और लेग फ्लेक्सिबिलिटी भी। इस तरह करने के बाद फिर रिलैक्स कर दें। इस तरह ये आज का चैलेंज, ये लेग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और लेग फ्लेक्सिबिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके बॉडी पार्ट में। फ्लेक्सिबिलिटी अगर लेग्स की अच्छी है तो आपके सारे आसन जैसे पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन और भी बहुत सारे आसन हैं जिनको आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी ही फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में ज़रूरी होती है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लेग फ्लेक्सिबिलिटी के 3-4 वीडियोस डालने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो लेग फ्लेक्सिबिलिटी स्टैंडिंग में फॉलो करें। कल नई वीडियोज़ के साथ, नई एपिसोड के साथ, नई थीम के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए बी हैप्पी, लिव हेल्दी। अब नहीं कहूँगी कि डू सब्सक्राइब। जिन लोगों को मेरे साथ काम करना अच्छा लग रहा है, जिन लोगों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना अच्छा लग रहा है, वो लोग ऑटोमेटिकली मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं,
मुझे पता है 40, 45, 60, 70, 100 तक ही व्यूज हैं, इतने ही लोग मुझसे जुड़े हैं जो खुद के दिल से जुड़े हैं, इसलिए मैं फिर से कहूंगी तो सही कि प्लीज डू सब्सक्राइब, आपको नहीं तो आपके किसी भी पर्सन को, आपके फैमिली में, रिलेशन में, जिसको जरूरत है, आप मेरे वीडियोस उन तक जरूर पहुंचाएं। सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो आप पहुंचा सकेंगे। मैं मिलूंगी कल आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक नमस्ते।